रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदंकितं चंदनं जाति चंपक बिल्वपत्रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयालिदे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोयोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। तो दर्शकों, एस्ट्रो की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आज हम बात करने जा रहे हैं मई महीने के मासिक राशिफल की। मई महीने की जो शुरुआत हो रही है धनु लग्न और कुंभ राशि में हो रही है। लग्न में शनि और केतु विराजमान हैं। लग्न से तीसरे घर में चंद्रमा है और चौथे घर में शुक्र और बुध विराजमान हैं। पाँचवें घर में सूर्य विराजमान है और छठे घर में मंगल विराजमान है और सातवां घर जो हमारा मास कुंडलिका का जो है उसमें राहु विराजमान है और बारहवें घर में बृहस्पति विराजमान है। इन ग्रहों से आपके मासिक राशिफल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? दो मुख्य ग्रह भी हमारे वक्र हैं, शनि और बृहस्पति वक्र हैं। तो इन सारे ग्रहों के आकलन से आपका राशिफल जो है मई महीने का वो कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। अपनी राशि की पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दर्शकों, आगे बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ का जो आपका क्षेत्र है मई के महीने में सामान्य, किसी प्रकार का बहुत दिक्कतें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अपना स्वास्थ्य और फिटनेस का जरूर ध्यान रख रहे हैं, जो आगे भी आपकी बरकरार स्थिति बनी रही है। थोड़ा सा मानसिक चिंताएं हो सकता आपको देखने को मिले, तो अगर उन चिंताओं की जो पॉइंट है उनको आप क्लियर कर देंगे तो वो भी दूर हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के मामले में आपका सामान्य बना रहेगा मई का महीने। आगे बात करते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ का जो क्षेत्र है आपका वो भी सामान्य है। हो सकता है कि थोड़ा सा जो आप एक टारगेट आपका था कि मई के महीने में हम अपने रिश्ते को एक नाम दे देंगे, या जो नए लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं लव की कि मई के महीने में मैं अपने दिल की बात अपने साथी तक पहुंचा दूंगा, तो उसमें थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़े, क्योंकि क्रूर ग्रह की दृष्टि है घर में, वहाँ पर विराजमान है, जिससे कि लव लाइफ को सामान्य ही रखता है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं शादीशुदा लाइफ, जो हमारा दाम्पत्य जीवन होता है। दाम्पत्य जीवन भी सहज बना हुआ है, क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो सहज हैं, तो निश्चित है कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कतें जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपको सामान्य इसी प्रकार अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो कि आपके रिश्ते के फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में हम सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय अनुकूल है। उनकी मनोइच्छाओं के कारण कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो होंगी। हो सकता है कुछ नया प्रोजेक्ट या नया कुछ डील आप साइन कर सकते हैं, निश्चित करें, तो वो भी एक संभावना है आपकी बनी हुई है। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है, आप शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की, जो कि आपके लिए फ्यूचर में लाभप्रद होगा। आगे बात करेंगे नौकरी पेशा जातक, जो नौकरी कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी मैं काफ़ी अनुकूल समय देखता हूँ। बट हो सकता है कि मई का महीना जो है आपके अपने पराक्रम, जो आपके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, उसको और दिखाना है, और क्योंकि अगर आप इसको और इम्प्रूव करोगे और इसको बढ़ाओगे तो निश्चित है कि मई में आपको मिले ना मिले आगे चलकर उसका जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का योग अगर बनता है महीने के अंत में, तो निश्चित है वो भी थोड़ा सा डिसीजन लेके आपके लिए बेहतर है या नहीं है वो आप जाना है आपने, क्योंकि वैसे कुंडलिका से तो बेहतर है, बट प्रैक्टिकली भी आप उसको देखें, जो कि आपके लिए फिर अच्छा बना रहेगा। जो लोग नौकरी करना चाह रहे थे और उनकी मतलब काफ़ी समय से अनएम्प्लॉयड थे और नहीं जॉब मिल पा रही थी, उनके लिए थोड़ा सा दूर का जरूर मैं देख रहा हूँ मिल रहा है, तो आप शुरू कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप समय अच्छा है, इसमें आप शुरुआत कर देंगे तो कम से कम एक लंबे समय का गैप जो है आपका समाप्त भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है। जो फाइनेंस का जो मैं क्षेत्र देख रहा हूँ वो थोड़ा सा लाभ वाला तो है आपका, जैसे हम देखते हैं, बट वो थोड़ा सा रुक के आएगा, ग्रोथ जो उसके उतनी स्पीडली नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। और वहीं दूसरा जो आपका सेविंग है उसमें कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा। हो सकता है आप अपने प्रॉपर्टी में करें, या हो सकता है अपना किसी घर लेने में, गाड़ी लेने में आप खर्चा करें, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह आप फंस जाएं।
और जो लोग खासकर जो नंबर दो से हम कह सकते हैं सट्टा बाजार में जो पैसा लगाते हैं, खासकर मकर राशि वालों को काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसका नुकसान हो सकता है कि जो हम मतलब कह सकते हैं कि सरल मार्गों से धन कमाने की जो हमारी थिंकिंग है उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो मई के महीने में बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें और वही आपके फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फालतू में आपका जो मेहनत का पैसा होगा वो चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बजट आपका बढ़िया बना रहेगा। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है। हो सकता है कि आपकी कुंडलिका से ये राशिफल भिन्न हो। वक्र बृहस्पति और वक्र शनि का प्रभाव आपकी कुंडलिका पे, आपकी राशि पर कैसे रहने वाला है, इसके लिए आप मुझसे पर्सनली परामर्श कर सकते हैं। मुझसे परामर्श करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।